अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। ये हमने 500 ग्राम आंवले ले लिया है, आधा किलो। इसको अभी उबालेंगे एक भगोने में रख के। ये पका हुआ है, सर्दी में बहुत ज़रूरी होता है आंवले का मुरब्बा खाना। ये बहुत बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग ज़रूर बना के खाना मुरब्बा। चलते हैं गाइस, इसको धो के फिर एक भगोने में रख के उबाल लेते हैं पानी में डाल के। फिर इसको बनाते हैं मुरब्बा। इसका बने रहना आप लोग हमारे चैनल पे। देखिए गाइस, एक मैंने छोटा भगोना ले लिया है। मैं इसको आंवले को इसी में डाल देते हैं सारे आंवले। अभी इसको धो के फिर साफ पानी में रख देते हैं उबालने के लिए। देखिए गाइस, मैंने आंवला को चढ़ा दिया उबालने के लिए एक भगोने में। इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे। उसके बाद में दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, आंवला हमारा उबल गया है। ये मैंने एक रख लिया करछुल के ऊपर। ये हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब इसे हटा देते हैं, पानी से अलग कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएगा ये। इसका पानी पोंछ के फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए गाइस, मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई चूल्हे पे। अब जला लेते हैं इसके नीचे। ये हमने चीनी ले लिया है, 250 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम हमारा आंवला है। हम मीठा कम खाते हैं तो इसीलिए आधा डालेंगे। चीनी एक पाव में डालूंगी। 250 ग्राम आंवला है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये बहुत अच्छे से हो गया है। सबसे पहले मैं चीनी डालूंगी कढ़ाई में। चीनी को डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हल्का सा, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए, नीचे लगे ना कढ़ाई में। मैंने पानी डाल दिया है। देखिए गाइस, मैंने गैस को हाई कर दिया है। ये चीनी हमारी घुल रही है। इतनी चीनी में बढ़िया मीठा होगा, परफेक्ट। 500 ग्राम के लिए चीनी इतनी बहुत है। 250 ग्राम मैंने डाला चीनी। आपको जितना मीठा खाना हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो चीनी। आंवला हमारे ज़्यादा बड़े साइज के नहीं, मैंने मीडियम साइज के लिया है। ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, अच्छे से घुल जाए, फिर डालते हैं इसमें आंवले को। देखिए गाइस, चीनी हमारी घुल गई है। मैं डाल देती हूँ आंवले को इसी में, जलाव में। इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। उबालने के बाद ये सूख गया है बहुत अच्छे से, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है। इसको मिला लेते हैं चला के, ताकि अच्छे से रस में डूब जाए। अब इसी में पकाएंगे थोड़ा, इसको सॉफ्ट हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे गैस को। इसमें मैंने छोटे छोटे सुराख कर लिया था आंवले में। आपके पास कांटे वाले चमचा हो ना, उससे सुराख कर सकते हो आप किसी भी चीज़ से, ताकि अंदर तक रस इसमें चला जाए आंवले में। बहुत बढ़िया मुरब्बा बनता है, सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने गैस को हाई कर दिया है, ताकि जल्दी से उबाल आ जाए इसमें। देखिए गैस, ये पक रहा है जलाव में अच्छे से। ये सॉफ्ट हो जाएगा इसे पकते पकते। बस गैस को बंद कर देंगे, थोड़ी चीनी हमारी ठीक हो जाए। अभी ज़्यादा पतली है, जलाओ इसका।
इसमें जो बड़ा साइज का था तो मैंने चाकू से कट लगा लिया था, इसमें ये लाइन दिख रही है ना, इसमें कट लगाया था मैंने चाकू से ताकि अंदर तक इसके रस अच्छे से चला जाए चीनी का। आपको इलायची पाउडर डालना तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे पसंद है। इलायची के दाने या इलायची के पाउडर बना के आप डाल सकते हो। देखिए गाइस, ये आंवले का मुरब्बा हमारा तैयार है बनके, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये दब रहा है हाथ से, गर्म है बहुत ज़्यादा। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरे में, ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में डिब्बे में भर के रखूँगी। देखिए गाइस, आंवले का मुरब्बा हमारा बनके तैयार है, ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए मैंने एक कटोरे में डाल लिया है। इसको मैं ठंडा होने के बाद 6-7 घंटे रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं जार में डाल के रखूँगी। ये बहुत अच्छा बना है, आप लोग ज़रूर बना के खाना इसी तरीके से। ये जो झाग झाग दिख रहा है ये जलाव का झाग है, ये ठंडा होगा भाई, ये झाग सारी ख़त्म हो जाएगा। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसीलिए थोड़ा फैना फैना झाग झाग बन रहा है। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।